मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा कि इस देश की पूरी शिक्षा मातृभाषा में हो, हिंदी में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, हम हमारी मातृभाषा में पढ़ाई करें, तभी हमारे बच्चे आगे निकलेंगे। अंग्रेजी में पढ़ाई करके हमारे बच्चे बहुत तकलीफ में हैं, उनके दिमाग पर बहुत तनाव है, ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये भुगता है। हम अंग्रेजी में पढ़ नहीं सकते, अंग्रेजी में सोच नहीं सकते, अंग्रेजी में लिख नहीं सकते, जो भी करते हैं हम मातृभाषा में करते हैं, फिर अंग्रेजी में उसका भाषांतर करते हैं और उसमें 6 गुना ज़्यादा समय हमारा खर्च होता है। आदमी सोचता है मातृभाषा में, रोता है गाता है मातृभाषा में, हंसता है गुनगुनाता है मातृभाषा में, फिर उसको विदेशी भाषा में आप कह दो तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझा वही हो जाता है। आप अपने घर में करके देखना, किसी बच्चे को हिंदी में कुछ सिखाना, 1 घंटे में सीख लेगा, उसी चीज को अंग्रेजी में सिखा के देखना, 6 महीने लग जाएंगे तो भी ढंग से नहीं सीख पाएगा। क्यों? विदेशी भाषा में सीखना बहुत मुश्किल होता है, मातृभाषा में सीखना बहुत आसान होता है, क्योंकि मातृभाषा आपके दिल और दिमाग उसके सबसे नज़दीक होती है, विदेशी भाषा बहुत दूर होती है। और हम हमारे बच्चों को मारते पीटते हैं अंग्रेजी सिखाने के लिए। मैंने कोई अंग्रेज नहीं देखा जो अपने बच्चे को मारता हो हिंदी सिखाने के लिए। जब उनको आपकी हिंदी की नहीं पढ़ी तो आप उनकी अंग्रेजी की क्यों पढ़ाए हुए हैं, छोड़िए ना। आप कहेंगे जी अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, बिल्कुल नहीं है। दुनिया में 200 देशों में मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। जर्मनी में जर्मन है, फ्रांस में फ्रेंच है, हॉलैंड में डच है, आप अगर रूस में चले जाओ तो रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है। डेनमार्क जैसा छोटा सा देश है जो हमारे एक मोहल्ले के बराबर का है, वहां भी डेनिश चलती है, अंग्रेजी नहीं चलती। और छोटे से डेनमार्क देश में अंग्रेजी में कोई कुछ पढ़ता नहीं, पढ़ाता नहीं। डेनिश में इंजीनियरिंग होता है, डेनिश में मेडिकल की पढ़ाई, डेनिश में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई। इतना छोटा देश जो 20 लाख की आबादी का है वो अपनी मातृभाषा में पढ़ा सकता है, तो हम 115 करोड़ की आबादी के लोग क्यों नहीं मातृभाषा में पढ़ा सकते? कोई लोग कहते हैं अंग्रेजी में क्वालिटी बहुत है, और मैंने अंग्रेजी पढ़कर यह पाया कि दुनिया की सबसे रद्दी भाषा यही है, इसका कोई सिर और पैर नहीं है। हां, मैं अंग्रेजी के प्रोफेसरों से बहस करता हूं और पूछता हूं पीयूटी पुट तो बीयूटी बुट क्यों नहीं? अगर सीयूटी कट पीयूटी पट होना चाहिए, बीयूटी बट सीयूटी कट तो पीयूटी पट होना चाहिए कि नहीं, और पीयूटी पुट तो बीयूटी बुट सीयूटी कुट होना चाहिए। एक जगह यू ऊ हो गया, एक जगह यू आ हो गया, ये क्या चक्कर है भाई? यू तो यू है, कहां आ कहां ऊ, कोई सिर नहीं कोई पैर नहीं। इतनी हंसी आती है मुझे अंग्रेजी पे। एक शब्द है अंग्रेजी का केमिस्ट्री, स्पेलिंग क्या है? CHEMISTRY, यही है ना? तो CHE माने के, केमिस्ट्री। तो अगर CHE में केमिस्ट्री होता है तो CHOPARA चोपड़ा में कोपड़ा क्यों नहीं होता, बताइए ना। और CHOPARA में चोपड़ा होता है तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री क्यों नहीं होता? कहां CH का हो? दिल में आया का, जहां दिल में आया चा। कुछ ऐसे विचार प्रोनंसिएशन क्या है? सन, SON प्रोनंसिएशन क्या है? सन। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे?
SON सोन होना चाहिए, SUN अगर सुन होना चाहिए, SUN सन है तो हर जगह यू आएगा तो आ का ही उच्चारण होना चाहिए, फिर सु वाला उच्चारण कहां से आ गया यू का, और ओ हर जगह ओ है तो फिर आ वाला कहां से आ गया, SON में सन कैसे हो गया, सोन होना चाहिए। कुछ पता ही नहीं है, भेड़िया धसान है अंग्रेजी। अंग्रेजी का इतिहास पढ़ा तो पता चला 5वीं शताब्दी में तो जन्म हुआ इस भाषा का, मुश्किल से 1500 साल पुरानी है, उसके पहले तो अंग्रेजी थी ही नहीं दुनिया में। अब अगर हम हिंदी से इसकी तुलना करने लगे तो हिंदी तो हजारों साल पुरानी है, और संस्कृत से तुलना करें वो तो करोड़ों साल पुरानी है। और अंग्रेजी बहुत गरीब भाषा है, गरीबी पता है इनकी क्या है, इनके पास अपने शब्द ही नहीं है, लैटिन में से ले लिए, फ्रेंच से ले लिए, जर्मन से ले लिए, इटालियन से ले लिए, यहां से ले लिए और खिचड़ी बना के तैयार कर दी, अपने शब्द है ही। और शब्द इतने कम हैं अंग्रेजी में, चाचा हो, मामा हो, मौसा हो, फूफा हो, मामा का मामा, मौसा का मौसा, फूफा का फूफा, एक ही शब्द है अंकल। चाची हो, मामी हो, मौसी हो, ताई हो, बुआ हो, फूफी हो, फूफी की फूफी हो, एक ही शब्द है आंटी। कितने गरीब है, हमारे पास तो हर एक रिश्ते के लिए एक शब्द है, चाचा चाचा है, मामा मामा है, मौसा मौसा है, फूफा फूफा है, यहाँ तो अंकल में पता ही नहीं चलता कि वो चाचा है कि मामा है कि मौसा है, बोलते रहते हैं अंकल आंटी आंटी। और कुछ तो अंग्रेजी के शब्द इतने विचित्र हैं जिनके अर्थ आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपने बोलना तो ऐसे ही शुरू कर दिया बिना अर्थ के। हम अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द बोलते हैं, इस देश में अंग्रेजी कम पढ़े लिखे लोग, हिंदी भी कम पढ़े लिखे लोग, बीच के लोग हैं, ना अंग्रेज हो पाए ना हिंदुस्तानी रह पाए, बीच के हो गए, तो घासलेट हैं वो सब। अब उनकी घासलेट क्या है वो दिखाता हूँ आप। किसी के घर में जाता हूँ, पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब मैं पूछता हूँ कि रामदयाल स्वदेशी, गायत्री देवी स्वदेशी, ये टिंकू विदेशी कहां से आ गया? और नाम रख लिया बेटे का टिंकू, फिर पूछता हूं अर्थ मालूम है टिंकू का? मालूम ही नहीं। क्यों रख लिया नाम? रख लिया ऐसे। टिंकू का अर्थ है वेबस्टर डिक्शनरी में आवारा लड़का, वो टिंकू है। और यहां हमने क्या किया, अच्छा खासा अपना आज्ञाकारी बेटा, उसको टिंकू टिंकू बोल बोल के आवारा बना देंगे। ऐसे ही नाम रख लेते हैं घर में बेटियों के, डिंपल, ट्विंकल, लवली, डबली, बबली, डबलू, बबलू, क्या मतलब पता ही नहीं चल रहा है, भेड़िया दशा। कुछ कुछ घरों में ऐसी विचित्र स्थिति होती है, मुझे बहुत हंसी आती है, लेकिन बेचारे अंग्रेजी वाले लोग क्या करें। किसी के घर में जाता हूं तो वो कहते हैं, ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसिज। तो मैं पूछता हूं, रियली शी इज योर मिसिज? क्योंकि उनको मिसिज का अर्थ नहीं मालूम, बस बोल रहे हैं मिसिज मिसिज मिसिज, अर्थ नहीं मालूम। मिसिज का अर्थ जानते हैं क्या है? मैं पहले आपको इंग्लैंड की एक सभ्यता का नमूना बताता, अंग्रेजों की सभ्यता में बहुत सारी कमियां हैं, उनकी संस्कृति बहुत निकृष्ट दर्जे की है। गांधी जी तो कहा करते थे कि अंग्रेजों की कोई संस्कृति है ये हास्यास्पद बात है, संस्कृति है ही नहीं, जो है वो विकृति ही विकृति है। हाँ, अब उनकी संस्कृति का एक हिस्सा सुनाता हूँ। अंग्रेजों की संस्कृति ऐसी है कि कोई भी पुरुष एक स्त्री से कभी भी संतुष्ट नहीं होता, और कोई भी स्त्री एक पुरुष से संतुष्ट नहीं होती, तो हर पुरुष अपनी जिंदगी में 20-20 स्त्रियों से, 25-25 स्त्रियों से संबंध रखता है। अब 20-25 स्त्रियों से संबंध रखता है, उसमें एक तो बीबी होती है, बाकी सब मिसेज होती हैं। मिसेज का अर्थ है धर्म पत्नी को छोड़कर हर वो स्त्री
जिसके साथ बिस्तर में रात बिता सकें, वो सब मिसेज होती है। और हम हमारी श्रीमती को मिसेज बनाने में लगे हुए हैं। मूर्खों के मूर्ख पता नहीं कहां से पैदा हो गए इस तरह। और मिस्टर कौन होता है? पति को छोड़कर कोई भी पुरुष मिस्टर होता है जिसके साथ बिस्तर में रात बिताएं। और यहां धर्म पति को मिस्टर बनाने में लगे हुए। कितना सुंदर शब्द है श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी, मती माने बुद्धि, लक्ष्मी बुद्धि माने लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ जहां हो वो श्रीमती। अब ये मिसेज नहीं है, वो श्रीमती कुछ गहरी चीज है। कुछ तो हिंदुस्तानी ऐसे हैं वो एक शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, मैडम। खूब इस्तेमाल होता मैडम। अपनी धर्मपत्नी को भी मैडम कह के बुलाते हैं, मैडम मैडम मैडम। और हमारी माताएं बहनें भी बुलवाती हैं, मैडम बोलो मैडम बोलो मैडम बोलो। भूत सवार है अंग्रेजियत का ये मैडम शब्द। मुझे पहली बार पता चला जब मैंने अंग्रेजों की प्राइवेट हिस्ट्री पढ़ी तो पता चला मैडम कौन होता है। इंग्लैंड में, यूरोप में वैश्यावृत्ति का धंधा सबसे पुराना है। वैश्याएं होती है ना, उनकी जो मुख्य संचालिका होती है वो मैडम होती है। वैश्यावृत्ति के धंधे की मुख्य संचालिका मैडम कहलाती है। और यहां हम अपनी बहन को मैडम कह दें, पत्नी को मैडम कह दें, हमारा कोई और छोरी नहीं है, किसी को भी मैडम बोल देते हैं। मत बोलिए, ये कोई अच्छे शब्द नहीं। हमारे पास शब्दों की कोई कमी नहीं है। बहन बोलिए, भाई बोलिए, ताई बोलिए, ताऊ बोलिए, चाचा बोलिए, चाची बोलिए, मामा बोलिए, मामी बोलिए, फूफी बोलिए, फूफा बोलिए। कुछ कमी है क्या? बड़ा विचित्र है, इंग्लैंड में एक शब्द है फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। क्यों है ये इन लॉ? इन लॉ ब्रदर इन लॉ माने कानून से भाई, फादर इन लॉ माने कानून से पिता। आपको मालूम है ये चक्कर क्या? चक्कर ये है कि इंग्लैंड में, यूरोप में जो शादी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं? समझौता, आत्मा का मिलन नहीं है, वो समझौता है। और हर समझौता किसी कानून से संचालित होता है, इसलिए फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ये इन लॉ का चक्कर वो कानून का है। हमारे यहां शादी समझौता नहीं है, आत्मा का मिलन है। हमारे यहां कहते हैं कि पति और पत्नी दो शरीर एक प्राण होते हैं, आत्मा दोनों की एक हो जाती है। हमारे यहां इतनी गहरी चीज है विवाह, उनके यहां तो समझौता है। आज सवेरे हुआ, शाम को टूट गया, फिर कल हो जाएगा, फिर टूट जाएगा। यूरोप में मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने 20-20 शादियां की हैं और 21 भी करने को तैयार है। हाँ, और शादी कैसे टूटती है मैं आपको एक लिटरली उदाहरण देता हूं। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम नहीं बता सकता लेकिन अंदाजा आप लगाए, उसकी अभी शादी हुई है 21वीं, 20 टूट चुकी है। अब मैं एक बार उसको पूछा, भैया तुम्हारी पहली शादी क्यों टूट गई? उसने कहा, यार मेरी बीवी जो थी मेरा टूथब्रश इस्तेमाल कर लिया, मैंने उसको तलाक दे दिया। आप सोचो, पत्नी ने टूथब्रश ले लिया, टूट गई शादी। फिर दूसरी क्यों टूटी? उसने कहा, मेरी दूसरी बीवी को बिल्ली पसंद थी, मुझे कुत्ता पसंद है, हमारी शादी टूट गई। फिर तीसरी कैसे टूटी? उसने कहा, तीसरी बीवी को वो सेंट पसंद नहीं आता था जो मुझे पसंद आता है, शादी टूट गई। फिर चौथी कैसे टूटी? पांचवी। ऐसे ही साधारण बातों पर शादियां टूट जाती हैं। वहां सब कुछ समझौता है, थोथलापन है, गहराई कुछ नहीं है। उनकी नकल आप क्यों कर रहे हैं? इंग्लैंड में एक मजाक किया जाता है लेकिन वो सच्चा है। लंदन में पता है बोलते हैं, 3 W हैं, डब्लू डब्लू डब्लू, जिनका कोई भरोसा नहीं। 1 W है वेदर, मौसम, जिसका कोई भरोसा नहीं। अभी बारिश होगी, अभी धूप निकलेगी, अभी ठंडी हवा चलेगी, बर्फ गिरेगी, मौसम का कोई भरोसा नहीं। दूसरा W है वाइफ, जिसका कुछ भरोसा नहीं, सवेरे आपकी है, शाम को किसी और की है। तीसरा W है वर्क, जिसका कोई भरोसा नहीं, काम आज है
कल आपको निकाल देंगे, पिंक स्लिप दे देंगे, भगा देंगे आपको। तो WWW ये तीनों का भरोसा नहीं। भारत में बिल्कुल उल्टा है। पहला W वेदर, एकदम पक्का है इस देश। बारिश है तो बारिश होगी, सर्दी है तो सर्दी होगी, गर्मी है तो गर्मी होगी, शरद है तो शरद होगा, मौसम एकदम पक्का है। दूसरा W वाइफ, और भी पक्का है। यहां की पत्नी तो 7-7 जन्म तक पक्की है, दुनिया में कहीं नहीं है किसी देश में। और तीसरा W वर्क भी पक्का है। तो हमारी सभ्यता बिल्कुल अलग है अंग्रेजों से, उनकी नकल हम क्यों करें, उनकी फालतू भाषा, रद्दी भाषा का इस्तेमाल क्यों करें, जब अपने पास अपनी भाषा है। तो मेरा कहना ये, अंग्रेजी में से बाहर आइए, इसमें कुछ रखा नहीं है। आप बोलेंगे जी अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, दुनिया में व्यापार कैसे होगा, जापान वाले कैसे व्यापार कर रहे हैं पूरी दुनिया में जापानी सीखकर, चीनी लोग कैसे व्यापार कर रहे हैं चाइनीज सीखकर, रशियन लोग कैसे व्यापार कर रहे हैं रशियन सीखकर, फ्रेंच लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो सब कर सकते हैं मातृभाषाओं को सीख के, तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर आप बोलेंगे अंग्रेजी की कुछ जरूरत है क्या? नहीं है। अंग्रेजी की जरूरत फिर थोड़े से हिंदुस्तानियों को पड़ेगी जो इंग्लैंड जाएंगे, तो जब जाएंगे तो वीजा के समय उनको महीने दो महीने सिखा देंगे, चले जाएंगे ताकि वापस आ जाएंगे, कौन सा उनको एक्सपर्ट बनाना है। ये बच्चों को पहली कक्षा से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे? ये सब तो इंग्लैंड जाने वाले नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड इनको आने भी नहीं देगा अपने यहां, क्योंकि उनके यहां इतनी जगह नहीं है, वीजा के कानून इतने कड़क कर दिए हैं कि अब जल्दी घुसना इंग्लैंड में संभव नहीं है। क्यों सबको मार मार के अंग्रेजी सिखा रहे? और ऐसी हास्यास्पद स्थिति होती है कभी, तो मैं किसी के घर में चला जाता हूं, अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे, उनके माता पिता कहते हैं देखो बेटा अंकल आए हैं जरा पोएम सुनाओ। तो मैं उनसे कहता हूं आपका बच्चा कविता सुनाए तो अच्छा, ये पोएम क्या होती है मेरे समझ में नहीं आती, कविता तो मैं समझता हूं। फिर भी वो बच्चा चालू हो जाता है, टेप रिकॉर्डर ऑन हो गया उसका बच्चे का, क्योंकि रटी हुई कविता है, समझी तो है नहीं, समझ सकता नहीं क्योंकि विदेशी भाषा में रट ली। अब कविता सुनाता है पोएम, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वॉन्ट्स टू प्ले। अब मैं बच्चे से पूछता हूं तुमको अर्थ मालूम है इसका? नहीं मालूम। किसने सिखाया? मम्मा ने सिखाया। मम्मा को पूछो अर्थ मालूम है? नहीं मालूम। किसने सिखाया? टीचर ने सिखाया। टीचर को पूछो अर्थ मालूम है? नहीं मालूम। उसकी टीचर ने सिखाया। ये चल रहा है भेड़िया धसा। फिर उस बच्चे को मैं उसका अर्थ समझाता हूं, मैं उसको कहता हूं इसका अर्थ है बारिश बारिश तुम चली जाओ, रेन रेन गो अवे, बारिश तुम चली जाओ, यहां मत आओ, मुझे खेलना है। अब बच्चा ये कविता गा रहा है बारिश बारिश चली जाओ, और करोड़ों बच्चे ये कविता गा रहे हैं बारिश बारिश चली जाओ, भगवान ने ये कविता सुन ली तो बारिश को वापस बुला लेगा भगवान, फिर यहां सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, आप भूखे मरेंगे, मैं भूखा मरूंगा। ऐसी है विदेशी कविता। हम भारतवासी हैं, हमको बारिश चाहिए, क्योंकि भारत की 60% खेती बारिश पर जिंदा है, इसलिए हमको तो बारिश चाहिए। तो भारत की कविता जो होगी वो कैसी होगी? एक मराठी कविता सुनाता हूं बारिश की आपको। मराठी में एक कविता है, ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा पाउसाला मोटा। ये रे माने आओ आओ, पाउसा माने बारिश। तो बच्चा बारिश को बुला रहा है, तुम जल्दी जल्दी आओ, नहीं आओ तो मैं पैसा देने को तैयार हूं, तुम आ जाओ क्योंकि हमको बारिश की जरूरत है। कविताएं अपनी सभ्यता की जरूरत में से पैदा होती हैं, और वही बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि वो सभ्यता का प्राण होती हैं, संस्कृति की आत्मा होती है। अब बच्चा ये रे पाउसा सीखेगा तो भारतीयता की तरफ चला जाएगा, रेन रेन गो अवे सीखेगा अंग्रेजियत की तरफ चला जाएगा। आप तय करो क्या करना है। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को ईमानदारी के साथ मातृभाषा सिखाएं, समझाएं,
उसी में उनको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करें। वो मातृभाषा में जितने पक्के होंगे दुनिया की कोई भी भाषा वो सीख लेंगे। हमारे हिंदुस्तान के बारे में अगर आप देखना चाहें तो देखिए, जितने महान वैज्ञानिक इस देश में हुए सबने मातृभाषा में पढ़ाई की, इसलिए वैज्ञानिक हुए। ताजा उदाहरण देता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सबसे उच्च कोटि के वैज्ञानिक, उनकी 12वीं तक की पढ़ाई तमिल भाषा में हुई है, आपको मालूम। और जब उनको कहा गया कि आप इतने ऊंचे वैज्ञानिक कैसे बने, तो उन्होंने कहा 12वीं तक तमिल में पढ़ा इसलिए इतना ऊंचा बन पाया। इस देश के एक और महान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, जिन्होंने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाकर इस देश को दिया। डॉक्टर विजय भटकर की 12वीं तक की पढ़ाई मराठी में हुई है, और वो कहते हैं कि मैं इतना ऊंचा संशोधन कर सका क्योंकि मराठी में सोचता हूं, इसलिए। प्रोफेसर एमजी के मेनन, उनकी पढ़ाई मलयालम में हुई है। प्रोफेसर स्वामीनाथन, उनकी पढ़ाई तमिल में हुई है। ये जितने उच्च कोटि के वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर सेठना, डॉक्टर भावा, जिन्होंने पहला परमाणु बम का इस देश में परीक्षण कराया, ये सब वैज्ञानिक मातृभाषा में से निकले हुए हैं। और मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, कॉन्वेंट से निकला हुआ एक भी विद्यार्थी इस देश के उच्चतम वैज्ञानिक पद पर आज तक नहीं पहुंचा। कॉन्वेंट में से जो पढ़कर निकले हैं ना, वो साइंटिस्ट नहीं बने, साइंटिफिक मैनेजर हो गए। साइंटिस्ट होना अलग है, साइंटिफिक मैनेजर होना बिल्कुल अलग काम। साइंटिफिक मैनेजर माने क्लर्क, क्लेरिकल काम वो ही कर पाते हैं, क्योंकि जो मातृभाषा में चिंतन नहीं कर सकते वो मूल आविष्कार नहीं कर सकते, और जो मूल आविष्कार नहीं कर सकते वो वैज्ञानिक नहीं हो सकते। इसलिए मातृभाषा में पढ़ाइए, मातृभाषा में सिखाइए, और बन पड़े उतना अपने बच्चों को ये कॉन्वेंट स्कूलों में मत पढ़ाइए। आप बोलेंगे जी इसमें क्या बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। इंग्लैंड में कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, हमारे यहाँ नहीं। ये तो मैकॉले ने कॉन्वेंट स्कूल खोल दिया इस देश में, इसलिए शुरू हो गए, वरना कॉन्वेंट इस देश में होने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कॉन्वेंट शब्द का अर्थ क्या है? CONVENT, कॉन्वेंट का माने है लावारिस बच्चों का स्कूल। जिन बच्चों के जिंदगी में माँ बाप नहीं होते उनको पढ़ने के लिए कॉन्वेंट स्कूल होते हैं। और इंग्लैंड में पता है क्या है, यूरोप में क्या है, बहुत सारे बच्चे बिना शादी के पैदा हो जाते हैं, मालूम है आपको? इंग्लैंड में 60% लड़कियां अपनी उम्र के 12 से 18 साल में मां बन जाती हैं, 60% बिना शादी के। अब बिना शादी के मां बन गए, बच्चे पैदा हो गए, वो कहां रहेंगे? उनको रखने के लिए कॉन्वेंट स्कूल होते हैं। और चूंकि कॉन्वेंट स्कूलों के माँ बाप बच्चों के है नहीं, पता ही नहीं उनको, तो इसलिए उन स्कूलों में जो पढ़ाने वाले होते हैं ना, उनको मदर फादर कहते हैं, क्योंकि असली तो है नहीं, तो नकली से ही काम चला लो। आपको मालूम है कॉन्वेंट में टीचर नहीं फादर है, टीचर नहीं मदर है, टीचर नहीं सिस्टर है, टीचर नहीं ब्रदर है, क्योंकि असली नहीं है, इसलिए नकली से काम चलाते हैं। और हम अपने बच्चों को जब कॉन्वेंट में भेजते हैं, सवा सत्यानाश होता है उनका, क्योंकि अपने तो मदर भी है फादर भी है, तो घर में तो असली है और वहां नकली है। और आपको एक अंग्रेजी शब्द बताता हूं, हमारे भारत में किसी बच्चे की दो माताएं हो सकती हैं, दो बाप नहीं होते कभी, ये भारत की परंपरा है। श्री कृष्ण की दो माताएं थी, बाप एक ही थे। राम की तीन माताएं थी, बाप एक ही थे। इस देश के सारे महान पुरुषों की कहानी देखो, माताएं दो होती हैं। पन्ना धाय थी, एक असली माँ थी, बाप एक ही थे। तो भारत में पिता तो एक ही होता है, लेकिन जो कॉन्वेंट में पढ़ने जाते हैं बच्चे, उनके दो दो बाप होते हैं, एक तो घर में है और एक स्कूल में है फादर। और अंग्रेजी का ही एक शब्द है कि जिस बच्चे के दो बाप होते हैं उसी को बास्टर्ड कहते हैं अंग्रेजी में। एक गाली है ना बास्टर्ड, वो दो बाप वाले बच्चों को दी जाती है,
तो क्यों अपने बच्चों को बास्टर्ड बना रहे हैं कॉन्वेंट में भेज भेज? आप बोलेंगे कहां भेजें, कोई कमी पड़ गई है स्कूलों की? बहुत स्कूल हैं इस देश में, मातृभाषा के स्कूल हैं, राष्ट्रभाषा के स्कूल हैं, वहां पढ़ने को भेजिए अपने बच्चों को। और याद रखिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में पढ़कर वैज्ञानिक बने, ध्यान रखिएगा इस बात को। उनका जो गांव है ना रामेश्वरम में, वो दिखाते हैं, बताते हैं कि मैं तो म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ा हूं, कॉन्वेंट में नहीं पढ़े। प्रोफेसर MGK मेनन म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़े, डॉक्टर विजय भटकर म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़े और इतने ऊंचे वैज्ञानिक हो गए। तो आपके बच्चे भी हो सकते हैं। प्रतिभा, लगन और संकल्प चाहिए, फैसिलिटीज ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इसलिए घबराइए मत, बच्चे अच्छे निकलेंगे। उनकी मातृभाषा पक्की कर दीजिए, संकल्प अच्छा बना दीजिए, काम करने के उद्देश्य उनके सामने स्पष्ट कर दीजिए, बहुत बड़े आदमी बन जाएं। इसलिए मातृभाषा में शिक्षण, मातृभाषा का अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आप अपने जीवन में करिए। और हमारा एक और निवेदन है भारतवासियों से, वो ये कि मातृभाषा का उपयोग करें और अपनी भूषा का भी उपयोग करें। हम अंग्रेजों की भूषा में फंसे हुए हैं, कोट पहनते हैं, टाई लगाते हैं और कोट पर कोट पहनते हैं, जैकेट पर कोट पहनते हैं। इतने गर्म देश में इतने कोट लादने की जरूरत क्या है? इंग्लैंड में ठंड पड़ती है, 40 डिग्री जीरो के नीचे तापमान चला जाता है तो कोट पे कोट पहनना पड़ता है। यहाँ तो 40 डिग्री हमेशा जीरो के ऊपर तापमान जाता है, भयंकर गर्मी है, यहाँ कोट क्यों पहनते हैं? जरूरत क्या है? मैंने तो कई बार देखा जून की गर्मी में, अक्सर मैं ये दृश्य देखता हूँ, शादी करने के लिए दूल्हे राजा जा रहे हैं, 3-पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़ के बैठे हुए हैं, पसीना 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 पसीना, मूर्खों का मूर्ख, कोट उतार के नहीं फेंकेगा और टाई और लगा ली, गर्दन इधर से उधर मोड़ नहीं सकता, एकदम टाइट करके बैठा हूँ। क्या करने जा रहा है? शादी करने जा रहा है। इसी दिन मूर्ख बनने की जरूरत है क्या, शादी वाले दिन? और ऐसे मूर्ख हैं कि बारात में आगे ढमढम ढमढम ब्रास बैंड और बजवाते हैं। आपको मालूम है इंग्लैंड में ये ब्रास बैंड कब बजाया जाता है? जब सेना हमला करने के लिए जाती है दुश्मन पर, तब ब्रास बैंड बजाते हुए सेना आगे बढ़ती है। यहां शादी करने जा रहा है कि हमला करने जा रहा है, ब्रास बैंड बजा रहा है। और इतनी रद्दी धुन और इतना कान फोड़ू संगीत, किसी को मजा नहीं आता, फिर भी ढमढम ढमढम सुनना ही पड़ता है, क्योंकि मूर्खों के मूर्ख उसी दिन बनना पड़ता है। दूल्हे राजा को मैं कहता हूं, भाई तुमने 3-पीस सूट और टाई पहना है तो तुम्हारी पत्नी को स्कर्ट पहनाओ, तब तो मजा आएगा। तुम अंग्रेज हो गए और पत्नी हिंदुस्तानी, कैसे चलेगी गाड़ी? हम कहते हैं ना गृहस्थी के दो पहिए हैं, पति पत्नी, एक पहिया साइकिल का, दूसरा ट्रैक्टर का, कैसे चलेगा ये? दोनों एक जैसे हो जाओ ना, पत्नी को स्कर्ट पहनाओ, तुम 3-पीस सूट पहनो और पत्नी को साड़ी पहना रहे हो तो तुम कुर्ता धोती पहनो, तुम क्यों विदेशी हो रहे हो? ऐसी मूर्खता हमने, मुझे तो और भी अफसोस होता है इस देश में, माफ करेंगे ये बात कहने के लिए, वकीलों का एक वर्ग है काला कोट पहन के भयंकर जून की गर्मी में अदालत में बहस करते हैं और पसीना पसीना हो जाते, कोट पूरा भीग जाता है और उसका कॉलर सफेद सफेद हो जाता है पसीने से, कोट उतार के फेंको तो 10 मीटर दूर उसकी बदबू जाती है, लेकिन काला कोट इनका आज तक नहीं उतरा इस देश में से। अंग्रेजों के जमाने में ये काला कोट पहना जाता था, अब क्यों पहन रहे हो? अब तो बदल दो इसको। हमने हमारा दिमाग बंद कर रखा है, हम चाहते हैं इसको खोलिए, तर्क करिए अपने आप से कि क्यों हम ये कर रहे हैं। काला रंग गर्म देश में अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषक है और अंदर से गर्मी को निकलने नहीं देगा, मर जाएंगे आप तो उस रंग में। हमारे लिए तो सफेद रंग हल्के कलर अच्छे होते, जहां ठंड बहुत होती है उनको काले रंग ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारा चिंतन
मनन थोड़ा शुरू करें, तर्क करना शुरू करें, विचार करना शुरू करें, ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्या है। अगर इतना भी हमने शुरू किया तो बहुत बड़ा काम इस देश में हो सकता है।